तो भाई आज जो है वो 2024 बोर्ड एग्जाम की डेट शीट के ऊपर बात करेंगे कि क्लास 9, क्लास 10, क्लास 11 और क्लास 12 की डेट शीट कब आ रही है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि बहुत सारे बच्चे पता है क्या करते हैं, जब ही पढ़ने बैठते हैं जब डेट शीट आती है, क्यों, जब डेट शीट आ जाती है तो उनको टेंशन होती है और उनको पता होता है पहला पेपर कब है तो वो तैयारी करना शुरू करते हैं। तो आप ऐसा ना करो, मैं बता रहा हूँ डेट शीट कब आ रही है और साथ ही साथ आपके साथ बहुत इंपॉर्टेंट बातें करूँगा। ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं होगी, 4 मिनट की रखूँगा। वीडियो का लास्ट पार्ट ज़रूर देखना, उसके अंदर मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। भाई सब्सक्राइब कर लिया करो, मैं आप लोगों के लिए काम करता हूँ, रोज़े में यहाँ खड़ा हुआ होता हूँ। शेयर कर दिया करो दोस्तों के साथ, आपको पता है मेहनत का काम है एजुकेशन को, अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे तो कौन करेगा। आपको पता है एजुकेशन को कितना सपोर्ट किया जाता है यहाँ पर, तो आप लोग ज़रा सपोर्ट तो करो एजुकेशन के कंटेंट को, ताकि दिल भी करे इस तरह का और अच्छा अच्छा कंटेंट बनाना। देखो तो दिल में ये बात तो मेरे है, कभी करूँगा फुर्सत से, लेकिन अभी नहीं कर रहा। सब्सक्राइब किया करो ताकि हमें भी ना मोटिवेशन मिले। अच्छा अब आ जाओ यहाँ डेट शीट के ऊपर। भाई देखो डेट शीट 9 और 10th की पहले बात करता हूँ, फिर सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर डेट शीट बस आने ही वाली है, ठीक है। 9 और 10th की उम्मीद है इस अगले हफ्ते में या अगले हफ्ते के फौरन बाद डेट शीट आ जाएगी, ठीक है। क्या कह रहा हूँ मैं, फिर से सुनो, कि अगले हफ्ते में या अगले हफ्ते के फौरन बाद डेट शीट आ जाएगी, क्योंकि एग्ज़ाम अब बहुत करीब है। पिछली बार भी रमज़ान में डेट शीट आ गई थी, तो अब आप लोग वेट ना करो, एग्ज़ाम की तैयारी शुरू कर दो। कभी भी डेट शीट आएगी, पहला पेपर कंप्यूटर का होगा। और बता देता हूँ 9th 10th के पेपर कब है। 9 का जो पेपर है ना, 9th 10th के पेपर, इंशाल्लाह इंटरव्यू भी लूँगा जैसे पिछले साल लिया था, मई के फर्स्ट वीक में है, ठीक है, फर्स्ट वीक। और उम्मीद है कि 2-3 तारीख से पेपर शुरू हो जाएंगे, ज़रा तैयारी पकड़ लो, ठीक है। अब आ जाओ फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर वाले के ऊपर। भाई देखो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर वालों का ऐसा है कि रमज़ान के बिल्कुल आखिर में या रमज़ान के बाद डेट शीट आ जाएगी, रमज़ान के बाद या रमज़ान के बिल्कुल आखिर में। देखो कुछ भी फाइनल नहीं है, बोर्ड ऑफिस की तरफ से फाइनल होगा मैट्रिक और इंटर, लेकिन ये मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि वो बच्चे जो तैयारी नहीं कर रहे हैं करना शुरू कर दें। ये मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूँ, एक एक्सपेक्ट डेट बता रहा हूँ, फाइनल नहीं समझना, लेकिन उम्मीद है यही कुछ होगा, क्योंकि इतने सालों से काम कर रहा हूँ तो आपको पता है कि हमें पता होता है कि ये अब आने वाला ये चीज़ है, अब आने वाली ये चीज़ है। हाँ देर सवेर हो जाती है, लेकिन टाइम कोशिश होती है कि कन्फर्म बताएं, ठीक है। अच्छा अब 9 ये हो गया हमारा 9 का और 10th का। अच्छा 11 और 12 का जो है वो पेपर कब है। 11 और 12 का पेपर आपके पास मई के लास्ट में, जो कि 27-28 या इससे शुरू हो जाएंगे। ये पेपरों की डेट बता रहा हूँ कि पहला पेपर कब होगा, ठीक है, लास्ट वीक में। और आपके साथ नोटिफिकेशन भी शेयर किया था, वो भी आपने देखा होगा। तो भाई तैयारी पकड़ लो, तैयारी मैंने कहा था ना आखिरी पार्ट ज़रूर देखना। तो वो बच्चे जो तैयारी को लेके परेशान है कि तैयारी आखिर करनी कैसे, उनको फिर मैं यही बात कहूँगा कि ग्रुप में ऐड हो। क्यों सर आप बार बार ग्रुप का कहते हैं, हमें नहीं ऐड होना, आप क्यों कह रहे हैं बार बार, वजह सुनो। देखो भाई एक तो बड़ी मेहनत से गेस्ट पेपर बनाए हैं, बड़ी मेहनत से नोट्स बनाए हैं, बड़ी मेहनत से आपके लिए लेक्चर्स करे हैं, बड़ी मेहनत से टेस्ट करें। आपको पता है जो बड़े बड़े कोचिंग्स हैं उनकी महाना फ़ीस 5,000-10,000 या इससे कम ही है, ठीक है, या ज़्यादा भी होती है। लेकिन हम आपके लिए पूरे साल काम करते हैं 2,000 में, और जब पेपर में 2-3 महीने रह जाते हैं या 1 महीना, तो फ़ीस 1,000 रुपये कर देते हैं। बस यही वो चीज़ें हैं जो आप हमें देते हो, जिससे हम अपना सिस्टम चलाते हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूँ ऐड हुआ करो, ताकि ये जो हमने काम किया है, इन्वेस्टमेंट की है, इसका जो है वो हमें फ़ायदा हो और हम इस सिस्टम को आगे चला सकें। आपको खुद पता है महंगाई किस लेवल पर है, 1,000 रुपये 3 महीने की फ़ीस, 2 महीने की फ़ीस ज़्यादा नहीं होती, जिसमें इतना सारा मटेरियल हम खुद बनाकर ऑथेंटिक आपको देते हैं। सालों से काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह करते रहेंगे।